और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लोगों की धार्मिक आस्था का आलम यह है कि रायगढ़ जिले के ग्राम सूखापाली में जिस नीम की पेड़ से दूध जैसी अविरल धारा बहने की खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाया था, अब उसे एक दैवी चमत्कार मानते हुए ग्रामवासियों ने वहां एक चबूतरा बनाकर माँ शीतला देवी की मूर्ति स्थापित की है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आस्था का आलम यह है कि इसमें सहभागी होने दूर दूर से लोग आए, खासकर महिलाओं की भारी भीड़ इसमें देखने को मिली। इसके बाद विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 11 मार्च को गांव के कुछ लोगों ने सड़क किनारे एक खेत पर नीम के पेड़ से दूध जैसे धारा बहते देखा, फिर देखते ही देखते इसे चमत्कार मानकर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इसकी वास्तविकता भले ही शोध का विषय हो या रासायनिक क्रिया या फिर चमत्कार, कारण जो भी हो, सच तो यह है कि लोगों की आस्था एवं विश्वास देखते ही बनती है और जन सैलाब लगातार इस क्षेत्र में उमड़ रही है। जो नीम के पेड़ में दूध निकल रहा है, लोग इसको देवी चमत्कार मान रहे हैं। हालांकि साइंस के दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पेड़ की, नीम पेड़ की उम्र अगर 5 से 10 साल के बीच होती है तो इस टाइप की 100 पेड़ों में एक पेड़ में यह घटना देखने में आती ही है। मंदिर बनवाएंगे बढ़िया से गांव वाला के सहयोग से, सब मिलजुल के बनाएंगे। और साथ में अभी जो विश्व स्तर में एक कोरोना वायरस भी चल रहा है, उससे भी अपने को सुरक्षित रखकर आस्था के प्रति अपने विश्वास को जगाने के लिए आए हैं, ताकि हमारे आस्था के सामने कोई भी कठिनाई हो या बीमारी हो वह नहीं टिक सकता। इसलिए ये बच्चे आज मास्क लगाकर अपना रहा है पूरे विश्व में, इसके लिए उपाय कर रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले एरिया में इस तरह से उपाय बताने के लिए यहाँ पर विद्यालय की छात्राएं लोगों को जागरूक करने के लिए मौजूद है। उनकी स्कूल का क्या नाम है बताइए? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल से है। उसका क्या नाम है? कुमारी रंगी परी। इस टाइप का मास्क लगा के और हाथ में जो है इस तरह से ग्लव्स लगा के किस लिए आए हो, क्या संदेश देना चाहते हो? कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए और हाथ को 1 घंटे में साबुन से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमित रोग है। या हाथ मिलाने से या छूने से पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ण करने की आखिर मान्यता एवं विश्वास के सामने सारे तर्क अपनी जगह रह गई हैं। कुल मिलाकर आज सूखापाली में लोगों का हुजूम धार्मिक मेले का शक्ल ले लिया है, भले ही रहस्य अब भी अनुत्तरित है। शीतला माँ के आविर्भाव हुए हैं और सब ग्रामवासी इतने खुश हैं कि माता के उत्पन्न होने से सब खुश हैं और वो सब लोग चाहते हैं कि हर साल माता के ऐसे पूजा हुए अष्टमी के दिन। और सब खुश है कि गांव के आज भंडारा चल रहा है और इतना पूजा में व्यस्त है कि माता सूखापाली ग्राम में आज आविर्भाव हुए हैं और सबको प्रसन्न है कि माता ऐसे सब दिन हम ग्रामवासी को सबको खुश रहे। जो वृक्ष है आप मन जो दिखा था इकरा दूध के धारा माने निकली सी, तो माँ स्वयं प्रकट हुई समझ ला ठीक जो है यह चैत महीना है और अष्टमी बार 1-2 दिन के बाद ऐसे 6 दिन 7 दिन 8 दिन 12 दिन तक वहाँ ले दूध जो है निकलते, तो माँ सबके रोगला नाश करे बार और शीतल प्रदान करे बार शीतला देवी प्रकट हुई है समझ ला। तो उगरे खातिर सबके विचार हुई, सबके आस्था हुई से सूखापाली ग्राम में कि भाई माँ के मूर्ति की स्थापना किया जाए। तो आज उगरे खातिर मने माँ के मने स्थापना करत हैं, तो इहर भगवान शंकर के पसीना से माँ के समझला उत्पन्न हुई भगवान शंकर के पसीना में माता शीतला देवी प्रकट हुई हैं, जिनके नाम पे आज पूरा गांव में भंडारा का प्रोग्राम किया गया है, जहां पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं और माता शीतला देवी का पूजा किया गया है आज अष्टमी के दिन। और हर साल शीतला अष्टमी को यह पूजा किया जाएगा। इस प्रकार से गाँव का पूरा सहयोग पूरे गांव में मिला है और गांव में मंदिर बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।